आज दिल्ली की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है, और गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की जहरीली दोषारोपण की राजनीति की वजह से। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है, AQI लगातार गिरता जा रहा है। और क्या करते ही आम आदमी पार्टी, दिवाली के फटाकों पर बैन, हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा देती है, पर यहाँ पर देखिए ये स्मॉक टावर जिस पर 23 करोड़ खर्च हुआ था, उस स्मॉक टावर पर ताला लगा है। दिल्ली के जो अंदरूनी कारण है प्रदूषण के, चाहे वो व्हीक्यूलर पॉल्यूशन, डस्ट, रोड ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन, बायोमास बर्निंग, इसके लिए क्या किया 10 वर्षों में? कुछ नहीं, केवल भ्रष्टाचार के सफ़ेद हाथी खड़े किए। इसका इनॉग्रेशन आम आदमी पार्टी ने किया था। आम आदमी पार्टी और भी ऐसे भ्रष्टाचार के मॉडल खड़े करना चाहती थी, DPCC ने रोक लगा दी। अब ये जनवरी से बंद है, तो कहाँ पर है सारी चीज़ें, इसका जवाब देना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, दरअसल इसकी प्रदूषित पॉलिटिक्स से हमारे बुजुर्गों की और हमारे बच्चों की जान पर बड़ा खतरा है। क्योंकि आपने कहा कि इसका पर्दाफाश, आप इसके बारे में डिटेल भी बता रहे हैं, तो इसको लेकर अब फर्दर आपका क्या कोई लीगल या कुछ भी इस तरह का जो एक्शन है नेक्स्ट जो आपका? देखिए, मुझे लगता है कि गली गली जाकर, हर जगह जाकर आम आदमी पार्टी ने जो जिस प्रकार से प्रदूषण के नाम पर केवल ठगने का काम किया है और दिल्ली को सबसे जहरीली और प्रदूषित सिटी बनाने का काम किया है, इसको एक्सपोज किया जाएगा। Z News.